आपने नाम सुना होगा ट्रांसजेनिक एनिमल की, मतलब कोई भी ऐसा एनिमल जिनके अंदर मोर देन वन स्पीसीज के कुछ करेक्टर होते हैं, और वो कोई एक स्पीसीज ना होकर के एक ऐसी होती है स्पीसीज जिसमें कि कुछ करेक्टर अलग होते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज सिमिलर होते हैं। तो अगर हम देखें कि जो ये एनिमल होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ये एनिमल कैसे बनाए जाते हैं, और इनके जब इनको मतलब बनाते हैं हम लोग, तो इस टेक्निक में आपका एक सबसे मेन रोल होता है माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स का। तो आज हम उसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारा टेक्निक है, जो कि हमारे पूरे बायोटेक फील्ड के लिए एक नई यहाँ पर डिवाइस आई है, एक नई जनरेशन की, नई एज की। तो फिर इसके बारे में पूरा जानेंगे कि क्या होता है ये डिवाइस, क्या कैसे काम करता है, और क्या क्या इसके एप्लीकेशन हमारे इस बायोटेक के फील्ड में। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें कि अच्छा नाम इसके अगर आपको कि बायो इंजेक्टिंग जीन इन टू ऊ साइड एक या एम्ब्रियो, ये आपके मतलब इस नाम से टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में। तो अगर हम नाम देखें तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, माइक्रो इंजेक्टिंग। अब इंजेक्शन तो सब लोग जानते हैं, इंजेक्शन यानी कि इंजेक्टिंग। तो अब यहाँ पे क्या है कि माइक्रो इंजेक्टिंग, मतलब यहाँ पे ये यह है कि अगर हम इंजेक्शन को ही एकदम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे अगर उसको यूज करें हम, जैसे देखिए हम लोग लगाते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्शन ना, तो एक यहाँ ब्रॉड लेवल पे, एक यहाँ पे क्या है। बट अगर हम कहें कि आपको एक सेल के अंदर लगाना है कोई इंजेक्शन, तो फिर उसके लिए जो आपको टूल्स यूज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ये कि अगर हम ऐसे देखें तो इनका इसका सिर्फ एक काम होता है इस चीज़ का, कि ये जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। मतलब सिंपली अगर यहाँ पे कि ये हेल्प करेगा आपको जीन ट्रांसफर में, और एक फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड है आपका, जिसका मेन फंक्शन या फिर कार्य क्या होता है कि ये जीन ट्रांसफर करता है बाई फिजिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल टूल्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि जीन ट्रांसफर के लिए हमारे बायोटेक के फील्ड में हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स का। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इस जीन को लेके जाना है किसी के अंदर, तो हम क्या करते हैं सिंपली कि अगर ये बैक्टीरिया है, इसका हो गया आपका जिनोम पूरा, ये हो गया इसका प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड को क्या करते हैं यूज करते हैं एज ए वेक्टर। तो अगर हम क्या करते हैं कि इस प्लाज्मिड को और इस डीएनए को हम सेम रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से कट करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे एक साइड बनती है और यहाँ भी एक साइड बनेगी दोनों के अंदर में। तो अब क्या करेगा कि जब इसके साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन गया आरडीएनए, और इसको अगर हम फिर से इसकी बॉडी में यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो अब क्या हो गया, हमारा ये जीन ट्रांसफर कहाँ चला गया, इस बैक्टीरिया सेल के अंदर में। तो इसको बोलते हैं कि जीन ट्रांसफर बाय द वेक्टर। बट यहाँ क्या है कि हम सीधे यहाँ पे यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट का या फिर माइक्रो इंजेक्शन का, और इसमें क्या है कि हम इसको यूज करेंगे एज ए वेक्टर, नॉट बेस वेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि माइक्रो इंजेक्टिंग इज ए न्यू डिवाइस या फिर टूल्स व्हिच इज यूज्ड एज ए वेक्टर नॉट ए वेक्टर। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि ये यूज होता है एज ए वेक्टर, और ये हेल्प क्या करता है कि जीन ट्रांसफर करता है किसी भी सेल या किसी भी बॉडी के अंदर में। ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये मेथड देखें जो कि आपको जिसमें इसका यूज़ था वेक्टर का, बट इसमें क्या है कि डायरेक्टली यूज नहीं है, ये क्या है कि एक वेक्टर फ्री मेथड है जीन ट्रांसफर करने का। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, एक वेक्टर फ्री मेथड है जीन ट्रांसफर करने का, इसमें हमें कोई वेक्टर नहीं चाहिए होता है, वेक्टर फ्री मेथड। वेक्टर फ्री मेथड जो टेक्निक है आपकी, सबसे पहले इसको लाए थे यहाँ पे मार्शल, इनका नाम तो पूरा ए मार्शल। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे आपके ए मार्शल, इन्होंने इस टेक्निक को प्रपोज किया था और इसके बारे में बताया था कि हाँ एक ऐसी डिवाइसेस या फिर ऐसी टेक्निक आ सकती है जो कि किसी भी एक सिंगल सेल के अंदर में डीएनए को ट्रांसफर कर सकती है विदाउट किसी वेक्टर के। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि माइक्रो इंजेक्टिंग इज ए टूल्स या फिर फिजिकल और इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस व्हिच आर यूज टू ट्रांसफर डीएनए डायरेक्टली इनटू द सेल विदाउट यूजिंग एनी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, माइक्रो इंजेक्टिंग। अगर हम ये देखें तो इन इसमें क्या होता है कि जो ये टूल्स होता है, इस टूल्स में आपके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। मतलब माइक्रो इंजेक्टिंग जो आपका ये डिवाइस होगा, पूरा टूल्स होगा, इसके अंदर में आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे आपके, इनको सबसे फर्स्ट आपको चाहिए यहाँ पे, जिसको बोलेंगे माइक्रो पीपेट। माइक्रो पीपेट ये सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा, इसी को कहीं कहीं बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन ये सबसे आपको हो जाएगा कंपोनेंट का सबसे पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा, इसको बोलेंगे माइक्रो मैनिपुलेटर। माइक्रो मैनिपुलेटर, और तीसरा जो हमारा होता है कंपोनेंट इस पूरे माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स का, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पाइपेट या पीपेट होल्डर। ठीक है,
पाइपेट होल्डर, बेसिकली ये तीन कंपोनेंट होते हैं। देखिए ऐसे ये लग रहा है ना सिर्फ इंजेक्शन है, बट अगर आप इसको सर्च करो इमेज पे या फिर, तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा एक दिखता है कि हाँ इसमें माइक्रोस्कोप है, ग्लास प्लेट है और भी कोई मतलब बहुत सारे इसमें डिवाइस लगी हुई हैं। तो सिंपली क्या है कि एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड एक न्यू डिवाइस है जिसमें और भी डिवाइस यहाँ पे इंटीग्रेट रहती हैं और ये सब मिल के यहाँ फंक्शन करती हैं, तब जाके क्या बनता है हमारा माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स। ठीक है, अगर हम देखें जो हम यहाँ पे माइक्रो ये टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इन टूल्स का यूज़ करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीज़ों की, जैसे एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन हमारे हो गए। अगर सबसे पहला बात करें यहाँ पे कि माइक्रो पीपेट या माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो फिर ये सिंपली होता है इंजेक्शन की तरह, बट इसका क्या होता है जो थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ अलग होगा। जैसे इसमें आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, अब ये मान लीजिए इसका हो गया यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसका टिप है, यानी कि ये निडिल है, ये हमारा क्या हो जाएगा टिप या निडिल, ये जो एकदम पतला सा होगा आपका नैनो या फिर माइक्रोमीटर का, ये वाला, ये का हो गया यहाँ पे जो इधर है, ये सिंपली यहाँ पे एक टिप का है या फिर एक कोन है पूरा, ये यहाँ से निकल जाता है आसानी से। इधर आपकी लगी होती है स्प्रिंग जो कि इसके अंदर होती है, दिखती नहीं आपको और इसी पे काम करता है ये फंक्शन पे। इसके बाद जो ये पार्ट होता है आपका, ये डिस्प्ले पार्ट होता है, मतलब ये इसी पार्ट में आपको ये विजुअल होता है कि जो निडिल है इसका जो टिप है ये कितने नैनोमीटर का है। तो इसमें यहाँ लगा होता है आपका डिस्प्ले कि 10 नैनोमीटर का है, 100 का है, थोड़ा सा इसकी पूरी रेंज होती है कि जो आता है ये 10 से लेके जो भी इसमें रेंज दिया होगा इस रेंज तक इसको यहाँ पे हम इसको रोटेट करके इस टिप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले के ऊपर आपको लगा होता है एडजस्टेबल, यहाँ पे लगा होता है आपका एडजस्टेबल रोटेटर। हम इसी को घुमा करके जो हमारा डिस्प्ले है ना इस पर हिलाएंगे और इस टिप की साइज को जो इसका रेंज है इस पूरे रेंज तक इसको लेके जाएंगे किसकी सहायता से, ये हमारा होता है एडजस्टेबल रोटेटर। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये जो होता है ये थोड़ा सा आपका ग्रिप के लिए होता है, सिंपली आप क्या होगा कि यहाँ पे ये ग्रिप के लिए होता है ये वाला, यहाँ पे हम थंब ऐसा रख के प्रेस करते हैं। आपको यहाँ पे दो तरह का मिलेगा बटन, ठीक है, जो ये वाला बटन है आपका इधर इसको बोलेंगे प्लंगर बटन, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा प्लंगर बटन है। ठीक है, और जो ये इधर एक बटन होता है इसको बोलते हैं इजेक्टर बटन, इजेक्टर बटन। ठीक है, प्लंगर और इजेक्टर बटन। तो अब क्या होता है कि अगर हमें इस टिप को जो यहाँ पे आगे कोन पूरा है अगर हमें इसको निकाल के बाहर करना है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इजेक्टर बटन। ठीक है, जो यहाँ पे इस पूरे टिप को यहाँ से निकाल के रिमूव कर देगा और इसमें हम ला के एक नया टिप, एक नए जिसका जो यहाँ पे होगा निडिल थोड़ा और यहाँ पे होगा अलग, उसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला बटन है प्लंगर बटन, अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो जो इस एक यहाँ पे टिप में या फिर जहाँ पे एक आपके इस इंजेक्शन में लोड हुआ है ये पूरा मटेरियल जो होगा ये इसमें सेल के अंदर चला जाएगा। मतलब अगर हमें इसको यूज करना है जिसमें हमने लोड किया हुआ है तो हम क्या प्रेस करेंगे, प्लंगर बटन। अगर हमें इसको यहाँ पे टिप चेंज करके कोई दूसरा टिप लगाना हो एक अलग रेंज का जिसकी यहाँ पे साइज थोड़ी अलग होगी तो हम क्या प्रेस करेंगे, इजेक्टर बटन। ठीक है, बाकी आप सब चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे आपका टिप हो गया, निडिल हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैसे इसको यहाँ चेंज करते, साइज ग्रिप कैसे होता, तो ये ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया माइक्रो पीपेट या फिर माइक्रो इंजेक्शन। ये सबसे मेन डिवाइस है जो कि हम यूज़ करके क्या करते हैं कि हम किसी भी सेल के अंदर में हम क्या करते हैं जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड हो गया इसमें कंपोनेंट जिसको हम नाम दिया है माइक्रो मैनिपुलेटर। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें सिंपली क्या होता है कि इसमें कई सारे डिवाइस इंटीग्रेट फॉर्म में रहती हैं और सबसे मेन इसमें क्या होता है, सबसे मेन आपको होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मतलब इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रहेगा, इसके साथ में कुछ आपको डिस्प्ले दिए रहते हैं जो कि इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करके आप दिखाता है इसके पूरा रिजल्ट की माइक्रोस्कोप के जब देखते हैं उसका आपको रिजल्ट यहाँ दिखेगा डिस्प्ले में। साथ में कुछ यहाँ पे वाइब्रेशन फ्री, ये वाइब्रेशन फ्री कुछ आपके डिवाइस लगी होती हैं जो कि एकदम से इसको क्या करेंगी कि एक वैक्यूम लाइक यहाँ पे उसको दे देंगे इन्वायरमेंट। इसके पूरा वैक्यूम लाइक क्या होगा कि वाइब्रेशन फ्री और वैक्यूम लाइक इन्वायरमेंट इसको यहाँ पे दिया जाएगा। ये काम कौन करेगा, माइक्रो मैनिपुलेटर। ठीक है, तो तीसरा हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स है इसको बोलेंगे यहाँ पे हम पाइपेट या पीपेट होल्डर। सिंपली एक ग्लास प्लेट होती है आपकी
ये बात की लगी हुई है आप ग्लास प्लेट और माइक्रो मैनिपुलेटर के जो बेस होता है उसका, इसे क्या बोलेंगे हम, पिपेट होल्डर। ये ग्लास प्लेट होती है, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे आपकी लगी ग्लास प्लेट। अब यहाँ पूरा इसका बना हुआ साइड के हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे टारगेट सेल को, यहाँ हमने रख दिया। इसके बाद ऊपर सब लगे आपके लगे होते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है माइक्रोस्कोप है, ऐसे ऐसे ये दिख रहा है, साथ में आपको रिजल्ट डिस्प्ले में शो हो रहा है। इतना सब कुछ शो होने के बाद यहाँ पे साइड में आती है नीडल। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले जो हम सेल लेंगे उसको फिक्स करेंगे यहाँ पे, इस पिपेट होल्डर में फिक्स कर देंगे। सिंपली क्या है, ये आपका ग्लास प्लेट है। फिर इन जो यहाँ पे माइक्रो मैनिपुलेटर हैं, इनकी सहायता से इसको यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट को यहाँ पे रोक देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से खुद इसको देखेंगे और इस रिजल्ट को हम यहाँ, हमारे क्या होगा, इस यहाँ पे डिस्प्ले में शो होगा। फिर ये जो हमारा माइक्रो इंजेक्शन होगा साइड साइड से, इनमें हम यहाँ पे देखते हुए इसको ऑब्जर्व करते हुए क्या करेंगे कि हमें जहाँ पर टारगेट साइट है हमारा, वहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये पूरा इसका होता है ऐसे। और ये हमारे क्या हो गए, तीन तरह के कंपोनेंट। अब अगर देखें यहाँ पे हम कि इस पूरे मेथड में हमें कौन कौन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, ये हो गया पूरा हमारा कंपोनेंट। अब बात करेंगे क्या इसका होता है प्रोसीडर और इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा सिलेक्टिंग ए टारगेट सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका स्टेप यहाँ पे, सिलेक्टिंग ए टारगेट सेल, कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक अपने टारगेट सेल को सिलेक्ट करेंगे। और वो टारगेट सेल क्या होगा, तो उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो टारगेट सेल ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पे एक अच्छे से वहाँ पे उसके अंदर DNA को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जानेंगे क्या क्या सेल की क्या क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी और उसको हमें किस स्टेज में लेना है, अगर हमें उसको मैनिपुलेट करके या फिर उसको चेंज करना है, सिंपली उसके अंदर जीन को इंसर्ट कराना है। तो पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसीडर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा प्रोसीडर होगा इसमें हमने क्या बताया कि जो आपका स्टेप नंबर फर्स्ट होगा इसमें क्या है, सिलेक्टिंग ए टारगेट सेल, ठीक है। अब ये है, बट आपके यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ओसाइट एग या फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम जो भी सेल लेते हैं ये अगर ऐसे देखें तो इस सेल की जो है कुछ क्राइटेरिया है वो होनी सबसे पहले होना चाहिए कि वो जितना बड़ा हो सके हो क्या होना चाहिए, लार्जर साइज का। क्यों, क्योंकि अगर स्मॉलर रहेगा तो देखो जितना छोटा सेल रहेगा उतना आपको क्या चाहिए, माइक्रो इंजेक्शन चाहिए। इसलिए यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा अच्छे साइज का है तो आप उसको आसानी से उसके अंदर यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सेल क्या हुई, मतलब कैसा होना चाहिए, लार्जर साइज का। सेकेंड ये है कि देखिए सेल जो है दो तरह के होते हैं, एक एनिमलिक प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर क्या होता है, उनके बाहर होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल वाल होता है। तो देखिए अगर दो तरह के सेल हैं, ये हमारा हो गया एनिमल सेल, यहाँ सेल वाल नहीं है, यहाँ पे सेल वाल नहीं है, ठीक है। प्लांट सेल है, इनके बाहर यहाँ पे एक थिक यहाँ पे सेल वाल है। तो अगर यहाँ पे सेल वाल ज़्यादा है तो मान लीजिए कि जब से हम लाएंगे माइक्रो इंजेक्शन तो पेंट्रेशन करना इसमें आसान है, किसमें आसान है, जो सेल वाल होगा ये इसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। और जब एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे प्रेशर हो सकता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक करे सेल वाल, फिर क्या होगा, जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है फिर ये सब है ये स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाए। तो सिंपली हम ऐसे सेल लेते हैं, फिर उनको मतलब देते हैं प्रेफरेंस, जो जिस सेल के पास में सेल वाल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे है कि हम एनिमल सेल को प्रेफरेंस करते हैं। एनिमल सेल क्या होता है हमारा, इसको हम प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास सेल वाल नहीं होता है और ये थोड़े से इसमें आसानी हो जाती है किसके अंदर, माइक्रो इंजेक्शन से DNA को इंसर्ट कराने में, ठीक है। तो ये कुछ इसके हो गए मतलब क्राइटेरिया, सबसे पहले उसका साइज कैसा होना चाहिए, लार्जर साइज, इसके बाद उसमें सेल वाल नहीं होना चाहिए और वो होना चाहिए क्या, एनिमल सेल, ठीक है, नॉट प्लांट सेल। तीसरा ये है कि जब भी हम यहाँ पर लेते हैं तो अगर हमें उसको मैनिपुलेट करना है तो ये जो हमारा होना चाहिए, इसमें हम लेते हैं स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज में। स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज में क्या करते हैं, हम सेल को लेते हैं। अब ये क्या स्टेज होती है, आपको पता है कि जब जाइगोट बनता है तो ये मान लीजिए हो गया ओवा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मेल न्यूक्लियस, फिर इसको बोलेंगे स्पर्म, ये हमारा क्या हो गया स्पर्म। अब जब ये आके दोनों मिलेगा तो आपको पता है कि ओवा में होता है एक न्यूक्लियस का खुद का होगा न्यूक्लियस, ये स्पर्म वाला है। तो जब स्पर्म पास में आता है तो सिर्फ इसका यहाँ पे ये अंदर क्या आएगा, सिर्फ अंदर आएगा प्रो न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ क्या आएगा प्रो न्यूक्लियस आएगा। तो जब ये इसकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, एक बार इसमें पेंटेड करता है ओवम को, तो फिर क्या होता है कि इसको
फ्यूजन करने में, यानी यहाँ पे इसके इस सेल के अंदर में, इस ओसाइट के अंदर में दोनों न्यूक्लियस हैं, बट इनका फ्यूजन होने में अभी भी लगता है यहाँ पे 4 से लेके 8 घंटे, ठीक है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में जो होगा इसको क्या बोलेंगे हम, स्यूडो फर्टिलाइज एक या फिर स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज। मतलब इसमें हम अगर देखें तो देखो सिंपली हम ये मानते हैं ना कि जब भी यहाँ पे क्या हुआ कि स्पर्म एंट्री किया ओवा में, मतलब क्या हुआ इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, बट एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें अंदर कुछ गैप है। गैप कितने का है, 4 से लेकर 8 घंटे का। तो ये जो स्टेज है कि इसमें जब ये इंटर कर लिया है बट इसमें फ्यूज नहीं किया हुआ है या फिर फर्टिलाइज नहीं हुआ है ये, तो क्या बोलेंगे इसको हम, स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज। अब इस स्टेज में हमें जिस न्यूक्लियस में यहाँ पे मतलब अपना DNA ऐड करवाना हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, इसमें हम इसी को यहाँ पे चूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस को इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हमें मेल वाले में करना होगा ना, तब भी हम स्यूडो वाले स्टेज में करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओसाइट है इसकी साइज़ बड़ी हो गई और आपको यहाँ पे एक ज़्यादा मिल गया वहाँ पे एरिया, फिर ज़्यादा वाल्यू मिल गया कि जो आपको यहाँ पे इंजेक्शन को लेके जा सके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जब यहाँ पे एक टारगेट सेल को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया है, जैसे साइज लार्ज होनी चाहिए, एनिमल सेल होना चाहिए, वो सेल वाल नहीं होना चाहिए, साथ में जो स्टेज हो वो मोस्टली यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप कौन से लोगे उसको, आपको लेना है स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट। अब जो सेकेंड स्टेप है आपका, इसमें सिंपली है कि जो हमने यहाँ पर टारगेट सेल लिया हुआ है तो आपने पढ़ा है यहाँ पर 3 कंपोनेंट, ठीक है। इसके पहले माइक्रो इंजेक्शन, मैनिपुलेटर, साथ में आपका पिपेट होल्डर। तो ये जो 3 आपके अलग अलग कंपोनेंट्स या टूल्स हैं जो कि इसको मिला के पूरा क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन टूल्स, तो इनमें हम क्या करेंगे, सब जो हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा, इस स्टेप में हम उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और साथ में वहाँ पर उसको हम एनालाइज करेंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो सेकेंड स्टेप है आपका, प्लेसिंग एंड होल्डिंग ऑफ सेल विथ पीपेट होल्डर, मतलब जो हमने सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसको लेके कहाँ जाएंगे, इसको हमें लेके जाना है उस यहाँ पे पीपेट होल्डर को, जो कि बेसिकली एक ग्लास प्लेट होती है, और यहाँ पे लेके जाने के बाद उसको रखना है। तीसरा आपको यहाँ पे स्टेप में उसको एग्जामिन करना है, उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करा देना है। तो ये जो यहाँ पे आपका हो गया, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ हो गया, ये टारगेट सेल, आपको इसको लेके जाना है कहाँ पे, ये हो गया आपके यहाँ पे ग्लास प्लेट, इसमें ये साइड बनी है स्पेशली कि हमें इसी साइड में रखना होगा, ये इस साइड पे ऐसे, मान लीजिए इसको ये हमारा साइड यहाँ पर साइड बना देते हैं। अब इसके ऊपर आपके लगे होंगे इस तरह से माइक्रोस्कोप, ये आपको दिख रहे हैं इधर से, दोनों फोकस कर रहे हैं, आपका रिजल्ट डिस्प्ले यहाँ हो रहा है, और यहीं बगल में आपको यहाँ पे नडल जो कि क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, ये इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये टारगेट सेल है इसको हम किस टेक्निक से ला के यहाँ रखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, हिले ना, या फिर इसमें कोई किसी तरह का यहाँ पे डैमेजिंग ना हो, तो इसके लिए जो यहाँ मेथड यूज़ करेंगे हम उसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड, मतलब हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर हम इस सेल को हम किसी भी निडल से या फिर चाहे जैसे भी हुए अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे हम, तो ये कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा, ठीक है। तो सिंपली हम करते क्या है, कोई भी ऐसा केमिकल सॉल्यूशन लेंगे जो थोड़ा सा विस्कस नेचर का होगा, यानी एकदम यहाँ पर लिक्विड जो होगा वो थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी हाई होगी, और क्या करेंगे कि हम जो टारगेट सेल है हमारा, इस सेल के चारों तरफ क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस टारगेट सेल के ऊपर उस लिक्विड को ऐसे यहाँ पे पोर करेंगे। जब ये होगा तो ये जो आपका टारगेट सेल होगा ये इस लिक्विड जो केमिकल है हमारा, लिक्विड है केमिकल, इसके अंदर चला गया। तो अगर इसकी विस्कोसिटी थोड़ी हाई है, फिर ये थोड़ा विस्कस नेचर का है, तो अब क्या करेंगे कि अगर हम ये जो पूरा हमने यहाँ पे ये ड्रॉप डाला है इस पूरे लिक्विड है केमिकल का, अगर इसको हम उठाएं निडल से, तो ये क्या होगा कि इस तरह से ये हैंगिंग करते हुए यहाँ पे लटक के चला जाएगा, बट जो हमारा इसके अंदर का टारगेट सेल है वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी एक लिक्विड है केमिकल जिस पे पोर करते हैं इस सेल के चारों तरफ से, और फिर इसी केमिकल को उठा के ड्रॉप के फॉर्म में लेके जाते हैं ऐसे विद द हेल्प ऑफ निडल, और ये डैमेज नहीं होता है। और जा कहाँ रखेंगे इसको, हम इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कहाँ पे, पाइपेट होल्डर में। अब ये हमारा आ गया, मान लीजिए हमारा ये ड्रॉप है कोई किसी केमिकल का, इसके अंदर हमारा क्या हो गया, टारगेट सेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि हम एक टारगेट सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस जगह से वहाँ लेके जा कर रखते हैं, ठीक है। मेथड कौन सा हमारा है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डैमेज ना है, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ यूज करेंगे इस मेथड का। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर रखना। हमारा तीसरा स्टेप आएगा यहाँ पे, तीसरे में क्या करते हैं
अब देखिए अभी तक हमने रख दिया और ऊपर यहाँ अभी आपको क्या लग रहा है कि जो ये सेटअप है इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो मैनिपुलेटर, और ये हमारा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। तो अब जो हमारा तीसरा स्टेप है इसमें सिंपली यहाँ पे कि इसको एनालाइज करेंगे इसके यहाँ पे लोकेशन को, मतलब स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग टारगेट सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो मैनिपुलेटर कि जो भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है टारगेट सेल विद द हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो ये जो हमने रखा हुआ है इसके साथ में, तो अब यहाँ पे ये है कि जब एग्जामिन करते हैं तो ऊपर यहाँ सेट क्या हमने किया है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जब इसको देखेंगे कहीं ये सेल लाने में डैमेज तो नहीं हो गया है, या फिर इसके न्यूक्लियस है कहाँ पे, किस साइट में है, किस एरिया में है, तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम एनालाइज करते हैं किससे, माइक्रो मैनिपुलेटर से। जब एनालाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ दिखेगा, इस यहाँ पे दिखेगा आपको डिस्प्ले में, साथ में यहाँ पे जो और डिवाइस लगी होती हैं जो किसके साथ इंडिकेट की रहती हैं, वो इस ग्लास प्लेट पे किसी भी तरह का वाइब्रेशन या किसी तरह का मूवमेंट को यहाँ पे अवॉइड करती हैं। मतलब ये जो होगा यहाँ पे, ये पूरा जो सेटअप होगा आपका वाइब्रेशन फ्री होगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल एकदम, यहाँ पे इसको स्टेबल रहेगा फुल्ली यहाँ पे। फिर क्या होगा कि इसको यहाँ पे एनालाइज करने के बाद जो हमारे ये यहाँ पे दो साइड से लगे होते हैं यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन, अब चौथा स्टेप ये होता है कि इन्हीं माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से इसके जहाँ पे हमारा टारगेट साइट है उसमें यहाँ पे टारगेट डीएनए को इंसर्ट कराना। ठीक है, ये हमारा तीन हो गया स्टेप नंबर थर्ड, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्टिंग द टारगेट डीएनए एट टारगेट साइट। तो सिंपली हो जाएगा आपका इंसर्टिंग द टारगेट डीएनए कहाँ पे, एट स्पेसिफिक टारगेट साइट, कि जो भी हमें यहाँ पे टारगेट करना है साइट को कि हम किसके न्यूक्लियस में ऐड करेंगे उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हमें उसको उसी के न्यूक्लियस में यहाँ पे इंसर्ट करा देना है, जो कि हमारा क्या होगा, चौथा स्टेप होगा। ठीक है, अब इसका देखो सिंपल सा एकदम कि यहाँ पे अब तो ये ऑटोमेटिक होने लगा पूरा कि आपको यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे इस तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल है, बटन प्रेस करना है इस तरह से, और ये अपने आप यहाँ पे जा करके साइट में यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, और आपको यहाँ पर रिजल्ट कहाँ होगा, इस डिस्प्ले में शो होगा। ठीक है, तो ये पूरा होता है हमारे यहाँ पे कि माइक्रो इंजेक्टिंग टूल जो होती है कैसे काम करती है, क्या क्या इसके स्टेप होते हैं, और कैसे ये पूरा चलेगा। ठीक है, तो अगर हम चौथे में देखें तो हमने बताया था स्टार्टिंग में है कि जब हम सेल लेते हैं तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है, बड़ी साइज होनी चाहिए, सेल वाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों होना चाहिए न्यूक्लियस, यानी कि किस में होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज में। ठीक है, ये सब जो कुछ क्राइटेरिया है इसको पूरा करने के बाद जब यहाँ पे चला गया है, अब देखते हैं कि हम करते क्यों, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे मेन क्या है इसका, सबसे मेन ये है इसमें कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल उनको बनाने की ये सबसे मेन टेक्निक है। इसमें जो ये आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स है, इसी की सहायता से क्या करते हैं, उसको हम बनाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को। और एनिमल होते कौन से हैं, कोई भी ऐसा एनिमल जो कि यहाँ पे जिसके अंदर मोर देन वन या फिर मोर देन टू, या फिर बोलेंगी कि दो यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफिक करेक्टर को यहाँ पे लाया गया है एक साथ, और वो उसका जो पहले था वो किसी एक का मेन फीचर नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके हम क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, इस माइक्रो इंजेक्टिंग का एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल। अब देखिए कैसे बने, अभी तक आपने जाना कि हम जो यहाँ पे ओसाइट्स लिए थे वो कौन से स्टेज में था, वो था आपके यहाँ पे स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज में। मतलब कि जो हमने ओसाइट लिया था, ओवा लिया था, इसमें एक न्यूक्लियस तो इसका था और दूसरा किसका था, दूसरा आपका था यहाँ पे स्पर्म, यानी कि मेल का था प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब अगर क्या करें हम कि इनमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फिर किसी और का ला दें प्रो न्यूक्लियस, इसमें कुछ डीएनए ला दें, इस मतलब सिंपली इसको हमें क्या करना है कि हमें मैनिपुलेट कर लेना है, हम जो भी यहाँ पे डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं उसको यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेंगे। तो जब मैनिपुलेट करके यहाँ पे डीएनए ऐड कर देंगे, तो अभी देखिए अभी तक ये इसमें फ्यूजन होगा तो ये बनेगा जाइगोट, जब जाइगोट बनेगा तो फिर इससे क्या बनेगा आगे चल के, ये बनाएगा आपका यहाँ पे मोरूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, फिर आपकी बन जाएगी यहाँ पे बॉडी पूरी। तो ये जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसी उस साइड से हुआ है ना। जब यहाँ पे हम मैनिपुलेट कर देंगे तो जब इससे जो पूरा बॉडी बनेगा, जो पूरा एनिमल बनेगा, उसमें भी कुछ यहाँ चेंज मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं कि हम क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको जीन डाला था, अब जब ये पूरा एनिमल बना हुआ है तो अब हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो अगर ये यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव की यहाँ पे इसके अंदर कैपेबिलिटी है,
तो फिर ये अपना क्या करेगा, अपना जनरेशन आगे लेके चला जाएगा सिंपली। बट यहाँ पे जो फीचर होंगे वो अभी भी किसके हैं, ट्रांसजेनिक करेंगे उसके किसी अलग से या फिर किसी यहाँ पे यूनिक फीचर नहीं रहेगा। तो ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने में। दूसरा स्टेप इसको बोल सकते हैं कि जीन थेरेपी में, जीन थेरेपी में अगर हमें ये पता है कि कोई भी अगर ऐसा जीन है जिसके होने से, किसी भी जीन के होने से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई डिजीज या फिर इस तरह सिंड्रोम है, तो अगर हम उसको यहाँ पे इनएक्टिवेट कर दें या उसको यहाँ पे क्या करें कि उस काट के निकाल दें या फिर सिंपली यहाँ पे कि उसके कुछ यहाँ पे वो डाल दें कम्प्लीमेंट्री, उसको यहाँ पे न्यूट्रल कर दें, तो किसी भी तरीके से क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जानने या पहचानने के लिए हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिवाइस या इसमें यूज करेंगे डीएनए, और इसकी हेल्प से वो जो डिजीज या सिंड्रोम होगा अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर ये क्या होगा, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी हो सकता है कि माइक्रो इंजेक्शन देने से वो उसकी जीन थेरेपी हो जाए, यानी जो यहाँ पे सिंड्रोम या कंडीशन डिजीज थी वो इससे यहाँ पे दूर हो जाए। तीसरा इसका एप्लीकेशन हो सकता है, तीसरा इसका कि यहाँ पे डायग्नोसिस में, अब ये पता है कि अगर हमें डायग्नोस करना है या फिर सिंपली यहाँ पे कि किसी की एंटीबॉडी या इस तरह से कुछ खोजना होगा कि इसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो अगर हम सेल के अंदर में जो भी यहाँ पे देखें ऐसा इसमें डीएनए ऐड कर सकते हैं, इसमें अगर हम देखें तो डीएनए के साथ आपका जो भी प्रोटीन होगा, प्रोटीन आरएनए, ठीक है, कोई केमिकल, कोई पिगमेंट या डाई, इस तरह से यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इसी टेक्निक के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जब इन सब को करेंगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट में हेल्प करता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है, इस तरह से यहाँ पे इसके और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या इसके होते हैं एडवांटेजेस, हमने देख लिया क्या इसका एप्लीकेशन है, अब पढ़ते हैं इसके यहाँ पे एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज सबसे पहला तो ये है कि ये जीन ट्रांसफ़र कर रहा है बट यहाँ पे ये वेक्टर फ्री है, मतलब सबसे पहला हो जाएगा कि वेक्टर फ्री जीन ट्रांसफ़र, सबसे फर्स्ट इसका हो जाएगा एडवांटेज में वेक्टर फ्री जीन ट्रांसफ़र, सबसे मोस्ट जो आपका होगा यहाँ पे एडवांटेज वेक्टर फ्री जीन ट्रांसफ़र। दूसरा ये है कि हम डिजायर्ड फ्रेगमेंट या फिर डिजायर्ड जो भी हमारा होगा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबको नहीं करना हमें। फिर ये है कि इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे हमें ये पता है कि हम जिसके अंदर इंसर्ट करना है उसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने इंसर्ट किया और फिर उसको यहाँ चेक करें उसके अंदर पहुँचा कि नहीं पहुँचा इस तरह से, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें एक्यूरेसी आपकी हाई है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं क्या इसके एडवांटेज है क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एडवांटेजेस की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी यूज ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये सबसे मेन इसका पॉइंट हुआ कि इसमें हम बिना वेक्टर की सहायता से सीधे डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जो इसका क्या है सबसे मेन आपका एक पॉइंट है एडवांटेज का। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल सेल में भी मैनिपुलेटेड, अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरी कॉलोनी या फिर पूरा यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है उसको करना है, हम सिर्फ एक सिंगल सेल को मैनिपुलेट करके एक नया एनिमल वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्ज साइज डीएनए कैन बी ट्रांसफ़र, अब ऐसा नहीं है कि देखो डीएनए क्या होता है कि डीएनए होते हैं नेगेटिव चार्ज और ये सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल नहीं हो, मतलब हो पाते, तो ये वहाँ पे एंट्री नहीं पाएंगे किसी सेल के अंदर में, तो हमेशा तो हमें यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर का या फिर क्या करेंगे इसको हम सीधे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर कोई डीएनए यहाँ पे लार्ज साइज का है, देखिए वेक्टर की कुछ लिमिट होती है कि कितने यहाँ पे लेके जा सकता है कितने साइज का डीएनए, बट यहाँ पे क्या है कि उतना लिमिट नहीं है और हम एक यहाँ पे लार्ज साइज डीएनए को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमारा क्या है, एक रिवोल्यूशनरी टूल्स है इन मॉडर्न साइंस या फिर बायोटेक के फील्ड में। अब ये क्यों हुआ कि पहले क्या था कि जब यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र करना होता था तो हम डिपेंड रहते थे किस पे, हमेशा हम यहाँ पे डिपेंड रहते थे वेक्टर के ऊपर पे, बट जब से ये टेक्निक आई है हम क्या करते हैं कि हम एक सिंगल सेल को भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं और साथ में कभी भी हम यहाँ पे वेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके आने से आपका इस फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया, तो इसे आप क्या नाम दिया गया है रिवोल्यूशनरी टूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये भी है कि हम सिर्फ डीएनए ही नहीं, हम डीएनए के साथ में आरएनए, प्रोटीन, कोई भी डाई, पिगमेंट या केमिकल, हम इन सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन टूल्स के थ्रू, ऐसा नहीं सिर्फ डीएनए ही कर सकते हैं,
जो कुछ भी सॉल्यूशन के फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं उसको क्या करेंगे हम कि उनको यहाँ पे चेक करके अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। ये क्या है कि सब इसके एडवांटेजेस हैं जो कि इसको यहाँ पे इसके ये शो करते हैं कितना यहाँ पे ये वैल्यूबल टूल्स है। अगर बात करें कि इतना वैल्यूबल या फिर इफिशियंट होने के बाद भी कुछ इसके यहाँ पर कमियाँ हैं जो कि आपको यहाँ पर, जैसे सबसे पहला ये कि कॉस्टली या फिर ये एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता मशीन है और यहाँ पर हर किसी लैब में ये अवेलेबल है, ये बहुत ही कॉस्टली या एक्सपेंसिव है और बहुत ही यहाँ पे रेयरली अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए कि जो पर्सन होना चाहिए वो हाईली स्किल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे क्या है, इसके तीनों कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंट्स में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे उसको सेल को वहाँ पे लाना है, जो कि एक नगर ऐसे देखें कोई भी यहाँ पे कॉमन मैन यहाँ जो है वो नहीं कर सकता है। तो जो भी यहाँ पे एक ट्रेंड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि नॉट यूजफुल फॉर प्लांट सेल। अब हमें बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें क्या होता है कि प्लांट सेल के बाहर होता है सेल वाल। अब अगर सेल वाल है तो निडल को पेंटेड करने में दिक्कत होगा, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये हो भी गया तो जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है फिर जो इस पूरा सेल ये डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मोस्टली है कि जो ये टेक्निक है ये सिर्फ उन्हीं सेल के लिए बेस्ट है, मतलब जिन पे क्या है कि उनमें बाहर से कोई सेल वाल नहीं होती है। सिंपली बात करें तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पे होगा आपका एनुअल सेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जब हमें आपने बताया थे कि हमने जब इसको ले रहे थे तो उसमें स्टेज कौन से होने चाहिए थी, हमेशा यहाँ पर होना चाहिए आपका स्यूडो फर्टिलाइज स्टेज। तो इसके लिए क्या है कि जो भी आपकी उस साइट है उसकी रिकवरी कब हुई है, उसमें फर्टिलाइजेशन कब हुआ है, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अपने यहाँ पे उस सेल को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा फेल हो जाएगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि उस साइट जब है तो उसके अंदर कब स्पर्म एंट्री किया है, कब उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, कब नहीं है, क्या उसकी रिकवरी का टाइम है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर जानना है भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि टाइम कंज्यूमिंग। अब ये भी है कि अगर हम यहाँ पर ढेर सारे सेल को यहाँ पर क्रिएट करना होगा तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा लगता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा क्या है कि जो प्रोसेस या फिर जो हमारा यहाँ पर ये मेथड है इसमें टाइम लग जाता है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत कम टाइम बहुत सेल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्मॉल नंबर ऑफ सेल कैन बी ट्रेडेड। ऐसा जैसे बताया हमने कि ऐसा नहीं कि आप एक दिन में यहाँ पे 1000 सेल को ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे लिमिटेशन है कि आप एक दिन में यहाँ पे कुछ ही सेल को यहाँ पे क्या करोगे ट्रीट कर सकते हो, बाकी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सावधानी करनी पड़ती है। तो ये हमारा पूरा था माइक्रो इंजेक्टिंग टूल्स के बारे में, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके यहाँ पर कंपोनेंट है, कैसे कैसे इसमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और साथ में यहाँ पर हमने जाना कि क्या इसकी एप्लीकेशन है, और साथ में सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं इसके, देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे इसी फॉर्मेट में लिख के आना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ हेडिंग यहाँ पे छोड़ दो या फिर इसको आगे पीछे कर दो, ये पूरे सिक्वेंस को ध्यान रखना है और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख के आना है अपने एग्जाम में।